आज मैं उस महानीय व्यक्तित्व का आपसे जोड़ूंगी जिनकी बदौलत, जिनके वंशज से आज पूरा विश्व उनके सत्कर्मों से आदर पा रहे हैं। ये लोग भगवान महावीर स्वामी के वंशज हैं, जिन्हें जैन कहलाते हैं। जैन पंथ हमारे लिए उतना ही श्रेयधारी है जितना कि सनातन, क्योंकि दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो महावीर स्वामी जी हैं, उनके जो पीछे चलने का इनका परिणाम क्या हुआ। हमारे जैन भाई बहन, मैं नहीं, उनमें हम की भावना लेके जीते हैं, क्योंकि उनमें सबको लेके चलने की वो ताकत है। कुछ आंकड़े आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। देश भर में लगभग 16,000 गौशाला हैं, जिनकी सेवा गायों की माँ की तरह की जाती है। इनमें से 12,000 गौशाला जैन समाज संचालित करता है। देश के लगभग 62% भागीदारी में दान महावीर स्वामी के यही अनुदाय दान करते हैं। देश के लगभग सभी इनकम टैक्स में 24% हिस्सेदारी जैन समाज की है। यानी एक लाइन में कहा जाए तो जैन समाज का 25% हिस्सा हमारे देश में विकास के लिए किया जाता है। तो मैं इन सभी को ये कहना चाहूंगी कि इन सभी की टोटल पॉपुलेशन 0.37% है, उसके बावजूद भी जैन समाज ने कभी भी अपनी माइनॉरिटी कार्ड का गेम नहीं खेला। तो मैं इन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि इनकी पॉपुलेशन कम होने के बावजूद भी इन्होंने अपने देश में अपना परचम लगाया है। थैंक यू सो मच।